नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक होगी। इस बीच कई जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं नक्कड़ विधानसभा के डिग्गा गाँव में तैनात पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, 13 फरवरी की देर रात नकुड़ विधानसभा के डिक्का गांव में पीठासीन अधिकारी राशिद अली की मौत हो गई। पीठासीन अधिकारी की मौत हार्ट अटैक से होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सरसवा धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि पीठासीन अधिकारी राशिद अली सहारनपुर जिले के कैलाशपुर गांव के रहने वाले थे और शिक्षक थे। मिली जानकारी के मुताबिक राशिद अली की 13 फरवरी की रात 8:30 बजे के करीब तबीयत बिगड़ी, तो उनका निजी कार चालक अन्य लोगों के साथ लेकर उन्हें सहारनपुर के मेडिग्राम अस्पताल में पहुंचा, जहां रात्रि 10 बजे उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देने के उपरांत शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की जा रही है। मृतक पीठासीन अधिकारी के स्थान पर रिजर्व में तैनात किए गए अन्य कर्मचारियों को रात में पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।